हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास ट्रायंगल्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है और एग्ज़ाम में आता रहता है बहुत बार। इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, अगर दो पैरेलल लाइन है और इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्जल इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो प्रूव करना है बाईसेक्टर ऑफ टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। ये जो इंटीरियर एंगल हैं इनके बाईसेक्टर, इसका बाईसेक्टर ये हो गया, इसका बाईसेक्टर ये हो गया, इस वाले इंटीरियर एंगल का बाईसेक्टर ये हो गया और इस वाले का बाईसेक्टर ये हो गया। तो ये प्रूव करना है कि जो बाईसेक्टर है ये रेक्टेंगल बना रहे हैं, एनक्लोज ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन समझ में आया? ये बाईसेक्टर है, ये इसके इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, ऐसे ही ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। इस तरह से हमने सिंबल बना दिए ताकि अलग अलग पता चल जाए। तो ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो हम नेमिंग दे देते हैं। पहले एक तरफ से ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, ई एफ ट्रांसवर्जल है और इसको मान लेते हैं पी क्यू आर एस। तो क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। क्वेश्चन समझ में आ गया? ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, ई एफ ट्रांसवर्जल है और ये बाईसेक्टर्स हैं पी क्यू आर क्यू आर एस पी एस। ये आप सब गिवन में भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। चलो टू प्रूव बल लिख देते हैं। क्या प्रूव करना है? कि पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कि अपोजिट साइड इक्वल है एंड पैरेलल है। तो एक एक करके करते हैं। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी के पैरेलल है ना, और ई एफ ट्रांसवर्जल है। तो एंगल ए पी आर, ये वाला जो एंगल है ए पी आर, वो डी आर पी के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अगर हम इन दोनों का हाफ कर दें और इसको नेमिंग दे देते हैं वन और इसको दे देते हैं टू, तो हाफ करने पे इसका हाफ आ गया एंगल वन और इसका हाफ आ गया एंगल टू। अब एंगल वन और टू को देखो सभी, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल इक्वल तभी होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। तो वन और टू अल्टरनेट हैं, तो इसका मतलब पी एस पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है भाई। सिमिलरली अभी हम ये वाला एंगल लेते हैं और ये वाला एंगल लेते हैं, तो इनके हाफ ही आ जाते हैं, तब हमारा पैरेलल हो जाता आर एस और पी क्यू। तो हम सिमिलरली लिख देते हैं पी क्यू
पैरेलल आर एस, तो पी एस क्यू आर के पैरेलल हो गया, पी क्यू आर एफ के पैरेलल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना होता तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 होता है तो उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो हम ये प्रूव करेंगे, क्योंकि एक एंगल 90 है तो बाकी सारे भी 90 हो जाएंगे। तो हम ये प्रूव करेंगे कि इस पैरेललोग्राम का एंगल 90 है। उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, 1, 2 तो हमने डाल दिया था, इसको हम 3 डाल देते हैं। बी पी आर और डी आर पी, बी पी आर और डी आर पी दोनों का सम होगा 180। क्यों, दोबारा देख लेते हैं, बी पी आर और डी आर बी दोनों का सम 180 को इंटीरियर एंगल। है ना, को इंटीरियर है ना, डी आर पी लिखना था, सॉरी मैंने बी लिख दिया, यहां पे कितना आएगा पी। इनका भी हाफ कर देते हैं सबका, एंगल बी पी आर का हाफ हो गया एंगल 3 और इसका हाफ हो गया एंगल 2। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90। अब इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल 2 प्लस 3 प्लस दिस 180, इन दोनों का सम 90 है, तो एंगल क्यू 90 आ जाएगा। तो एंगल 2 इन ट्राइंगल पी क्यू आर वन एट्टी, तो 90 प्लस एंगल क्यू 180, तो एंगल क्यू कितना हो गया 90। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल क्यू 90 है, तो हैंस पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। यही तो प्रूव करना था, पहले हमने दिखाया पैरेललोग्राम है, फिर हमने दिखा दिया कि एंगल 90 है, तो इसलिए ये रेक्टेंगल हो गया। रीजन देने की जरूरत नहीं है, चलो फिर भी लिख सकते हैं हम, बिकॉज ए पैरेललोग्राम हैविंग ए एंगल 90 इज रेक्टेंगल। ठीक है, तो आगे सभी को समझ में, रिपीट कर लो चाहो तो, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्जल है। तो हमने पहले अल्टरनेट एंगल ले लिए ए पी आर और डी आर पी, उनका हाफ किया तो एंगल 1 और 2 इक्वल आ गए, बट ये अल्टरनेट एंगल है, हमें साफ दिख रहा है, और ये इक्वल तभी होंगे जब लाइन पैरेलल होंगी, तो पी एस और क्यू आर पैरेलल हो गई। सिमिलरली हम पी क्यू और आर एस को भी कर सकते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया, फिर हमने बी पी आर और डी आर पी दोनों का सम 180 को इंटीरियर एंगल, उनका हाफ किया तो 2 प्लस 3 कितना आ गया 90। फिर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो एंगल क्यू 90 आ गया। तो ये पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 हो गया, तो ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। तो क्लास ख़त्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच।